लगने की संभावना कितनी है या क्या होना चाहिए इसको लेकर? ये देख रहे होंगे आपकी 2018 में शासन आने के बाद से ही मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिन रात एक हुए हैं। जनता की कोई सुध लेते नहीं है। प्रदेश के जो हालात बने हैं, जो स्थिति बनी है, कहीं उनको इनकी चिंता नहीं है। और जब लाखों गाय मर रही है और प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, विकास कार्य ठप पड़े हैं, ऐसे में भी वो कौन मुख्यमंत्री बनता है नहीं बनता है उसके फेर में पड़े हैं। और ये जो नाटकबाजी चली ना कि बरानो एमएलए ने इस्तीफा दे दिया, तो मेरे तो अध्यक्ष जी से आग्रह रहेगा, इस्तीफा आप इनका स्वीकार करो, जनता के बीच में वापस जाओ। जनता किसको कुर्सी देना चाहती है वो जनता अपना भी देगी, हाईकमान किसको देगा, विधायक किसको देंगे, ये विषय नहीं है। ये जनता के हाथ में होना चाहिए कि जिन विधायकों को उन्होंने चुनकर भेजा है वो अपनी पार्टी की बात मानते नहीं, पार्टी की बात सुनते नहीं है और मनमाने तरीके से काम करना चाहते हैं। तो ऐसा तो रास्ता में पहली बार ऐसा हुआ है। इस ड्रामे के चक्कर में पूरा राजस्थान दुखी है, पीड़ित है। इनका इस्तीफा स्वीकार करके तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाकर जल्दी चुनाव की घोषणा करनी चाहिए, ताकि जनता के काम भी हो सके, जनता को राहत मिल सके, अपराध रुक सके और गायों की जो मौतें हो रही है उस पर भी रोक लगे। ये मेरा मेरा मानना है। हेलो।